आज विश्व में परमाणु युद्ध का छाया मंडरा और परमाणु युद्ध भी होगा। 600 साल पहले जब परमाणु का तत्व नहीं आया था, तब अच्युतानंद ने परमाणु अस्त्र के बारे में रचना की। अच्युतानंद ने लिखे हैं, परमाणु जे बोमा जारो लगी विदेश सिंह को गाड़ी मा। आज बार बार चाइना पाकिस्तान धमक दे रहे हैं ना, हमारे पास परमाणु है, जरूरत पड़ने से हम परमाणु का विनियोग कर सकते हैं। परमाणु युद्ध होगा ये निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि 600 साल पहले अच्युतानंद ने परमाणु युद्ध के बारे में रचना की और विश्व में भारत में कहीं कहीं परमाणु पड़ेगा उसके बारे में भी रचना की है, पर वो गुप्त तत्व उसको हम बताएंगे नहीं। बस मान लो परमाणु युद्ध होगा और परमाणु गिरेगा, विश्व जलेगा परमाणु युद्ध में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो परमाणु युद्ध जब होगा, समय वैसे ज्यादा साल नहीं है, 3-4 साल शुरू होने वाले, विश्व युद्ध 2025-26 में शुरू होगा। मिन शनि गुरु बारे पड़ीब यही अंके ध्रुव ध्रुव भाद्रव मासरे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासिव, धरती को काल ग्रास करेगा जब मीन शनि का आएगा। बार बार सूर्य दिखाई नहीं देंगे, अंधेरा छा जाएगा धरती पर, दिन में कोहरा रात में कोहरा, सारे दुनिया अंधेरा दिखाई दे, इससे समय आ रहा है। 15 दिन अंधेरा तो 15 दिन उजाला, इससे समय आ रहा है। 2025-26 में मीन शनि का चलन हो रहा है। 2025 मार्च महीने शाम 5:30 पर 29 मिनट पर मीन राशि पर शनि का चलन हो रहा है। इसमें जल प्रलय, अग्नि प्रलय, एटॉमिक वार, प्लूटो यूरेंस जैसे ग्रह धरती पर कोप दृष्टि बाधक दृष्टि देख रहे हैं, ताकि परमाणु युद्ध धरती पर संगठित हो, 100% होगा, उसमें कोई परिवर्तन। और परमाणु युद्ध का जो धमक दे रहे हैं, युद्ध बड़ा होगा। भारत के साथ युद्ध कैसे होगा? पहले पाकिस्तान भारत के ऊपर युद्ध थोपेगा, भारत नहीं करेगा, भारत तो शांति देश है, भारत तो पवित्र आर्यावर्त, दुनिया को अगर ज्ञान देने वाले कोई देश है तो हमारी भारत है। तो भारत आगे युद्ध नहीं करेगा, पहले असुरों ने युद्ध करेंगे भारत के ऊपर, और युद्ध करके घोर समर यानी बड़ा युद्ध विनाश युद्ध करेंगे। भारत में पहले मिसाइल अटैक कौन सा स्थान पर होगा, अच्युतानंद ने लिखे पर मैं बताता नहीं, क्योंकि वो बताने से लोग डरेंगे, मिसाइल गिरेगा भारत की बड़े बड़े स्थान पर लिखा है। तो युद्ध बढ़ेगा, पहले पाकिस्तान युद्ध करने के बाद फिर क्या होगा, यही भारत और संगे पाकिस्तान टी लड़ी व रंगे घोर समर करीब बेगे, घोर समर महाविनाश युद्ध करेगा। और जब पाकिस्तान युद्ध करेगा, तब चाइना अरुणाचल प्रदेश और कोलकाता की तरफ से युद्ध भारत की ओर करेगा। पुणिजे चाइनी सैन्य और चाइना लोग भारत के ऊपर युद्ध अपनी तरफ से शुरू कर, एक साथ पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत अकेला लड़ेगा। सबसे बड़ी शक्तिशाली देश में भारत चाइना है, और पाकिस्तान का सैन्य बल भी करीब 14 लाख है, परमाणु शक्ति संपन्न भी है, और एक साथ दोनों तरफ से युद्ध होगा, चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ से। फिर क्या होगा, ना पुणिजे तुर्की सैन्य, फिर तुर्की अपना सारे सैन्य को लेके आके पाकिस्तान की सीमा में एकत्रित हो गए। पुणिजे तुर्की सैन्य, तुर्की ईरान सर्वे मिलेगा, तुर्की के साथ ईरान मिलेगा, उनका सारे सैन्य लेके आएगा भारत की एक तरफ से युद्ध करने के। तुर्की ईरान चाइना पाकिस्तान जैसे सप्तरथी अभिमन्यु को चतुर्पार्श्व से घेर गए, ऐसे भारत के विरुद्ध में श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और तुर्की, चाइना, ईरान, ऐसे 7 कंट्री भारत को चतुर्पार्श्व से घेर के युद्ध करेंगे। और उसी समय अमेरिका अपना सारे अस्त्र शस्त्र फाइटर जेट मिसाइल पाकिस्तान को देगा, और नाटोमेंट की देश इंग्लैंड भी देगा ब्रिटिश, और अफ्रीका भी भारत की विरुद्ध में लड़ाई में खड़ा होंगे, चतुर्पार्श्व से भारत को घेर जाएंगे, ऐसा युद्ध होगा। अच्युतानंद ने लिखे हैं, पूर्व पश्चिम रंग वर्ण है, गिरी माला चमकीब, लुहा खंडा मानो भारते बुलीब, रसिया शासन है। अच्युतानंद ने लिखे, जब रसिया का सृष्टि नहीं हुआ था, 600 साल पहले कोई मीडिया था, कुछ था, तो अच्युतानंद ने पहले लिखे, चाइना देश बनेगा, भारत से अलग होके एक पाकिस्तान देश बनेगा, भारत के अलग होके बांग्लादेश बनेगा, सब अच्युतानंद ने लिखे, उनका वाणी में कहीं परिवर्तन नहीं होगा।
उद्धार के लिए अभी भी समय है, समय को भी निजक करो, युद्ध के लिए रेडी है। अच्युतानंद ने तो यही लिखे, ओली ये युद्धटी है वो आदेश देवटी माधव। कौन आदेश देंगे? माधव। माधव कल की, जो कल की मानव शरीर में आएंगे वही माधव का निर्देश पर युद्ध होगा। और प्रभु ने युद्ध को रोक के रखे क्योंकि भक्तों का उद्धार नहीं, भक्तों का उद्धार नहीं हुआ है, इसी कारण युद्ध देरी हो रहा है, यानी देर हो रहा है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा, अच्युतानंद ने लिख दिया। तो उसी समय क्या होगा ना, भारत को चतुर पार्श्वों से सब घेर जाएंगे तो भारत अकेला पड़ जाएगा। तो उसी समय अच्युतानंद ने लिखे हैं, यहा देखी जे रूसिया असी भारत रे हुई बठिया, भारत समर क्षेत्र से एक कुटिया, यानी अकेला रसिया हमारी मदद के लिए आएगा, सारे सैन्य अर्थ पैसा भोजन सब लेके भारत लोगों को मदद करेगा रसिया। तो रसिया अकेला और भारत दोनों मिलके सारा विश्व में सभी देश के साथ लड़ाई हो। और उसी समय भगवान कल्कि का जोग माया शक्ति से भक्तों लोगों को उद्धार करेंगे, युद्ध से पापियों का विनाश होगा, भक्तों का विनाश नहीं होगा। अच्युतानंद ने तो लिखे हैं कहीं भक्त के ऊपर गोली चलाएंगे तो भक्त बच जाएगा, तो भक्त को त्रिकाल संध्या करना जरूरी है ताकि वो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ये बात ब्रह्मवाणी है। और जब परमाणु गिराने के लिए सभी देश, अमेरिका पूरा प्लान करेगा भारत के ऊपर परमाणु गिराने, क्योंकि वो देख रहे भारत विश्व की सबसे बड़ा देश बनने वाला, और भारत को ध्वंस कर देगा तो उनका शत्रु कोई नहीं रहेगा। रसिया के साथ तो लड़ा के उनको परेशान कर रहा है। फिर भारत को बर्बाद करने के लिए सभी देश मिलके कई हजारों संख्या में परमाणु भारत की चारों तरफ लगा देंगे, एक साथ सारा भारत को नष्ट करने के लिए। पर उसी समय क्या करेंगे? अच्युतानंद ने लिखे आतंक के डाकी भेजना, यानी सभी आतंकित हो जाएंगे। टीवी मीडिया में बार बार न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, किसी समय कहीं भी कोई भी परमाणु गिर सकता है। बंकर में मिट्टी के नीचे घुसो ताकि अपना जीवन सुरक्षा करो। अरे मिट्टी के नीचे 100 फीट जाने से भी बच नहीं पाएंगे, तो बचेंगे कौन? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव की शरण में जाएंगे, जो सुधर्मा संघ में भगवान के कार्य में लगेंगे वही बचेंगे, उसके सिवा कोई नहीं। तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु अपना जोग माया शक्ति से परमाणु, जहां भक्त लोग होंगे, जहां मंडल होगा वही परमाणु आएगा, प्रभु लेके कोई अलग देश में उसको गिरा देंगे और भक्त लोग उद्धार पा जाएगा। पर जहां सब पापी है ना वही जगह पर पड़ेगा। अंतिम युद्ध से पहले जापान भारत को मदद करेगा, और जापान के साथ फ्रांस भी भारत को मदद करेगा, फ्रांस के साथ जर्मनी भी भारत को मदद करेगा, वो सभी देश भी भारत के साथ रह के वही असुरों के साथ लड़ाई करेंगे। और युद्ध चलते चलते कोई निर्णय नहीं होगा, यानी युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, युद्ध का परिणाम कोई देश नहीं जीतेगा, सभी देश में तबाही चलेगा। और उसी समय सूर्य देव से एक खंड आएगा जिसको भगवान कल्कि उसको 3 टुकड़ा बनाएंगे, क्योंकि एक खंड धरती पर गिरेगा तो धरती संपूर्ण विनाश हो जाए। नक्षत्र लंजा खसीबो लवण जले पड़ीबो लह लह जीवा करीण कलिका बाछीण मुंड मुड़ी। और भगवान कल्कि उनको 3 टुकड़ा बना देंगे, बोले एक खंड आ रहे ना तो सारे दुनिया ध्वंस हो, भक्त कहाँ रहेंगे? तो प्रभु उनको 3 टुकड़ा बना के 3 समुद्र में गिराएंगे, 1000 फीट पर समुन्दर आए और धरती का सारा परिवर्तन होगा। और माता काली का चुन चुन के असुरों को मारेंगे, त्रिसंध्या करने वाले पवित्र भक्त माधव के भक्तों को आशीर्वाद करेंगे। उसी समय 49 वायु बहेगा, उसी समय जल 10,000 फीट तक उठेगा, धरती पर इतना भूकंप होगा 18 पॉइंट तक चल जाएगा ताकि धरती खंड खंड हो जाएगा इस स्थिति। और मनुष्य लोग खड़े खड़े कहीं ऊपर उठ जाएंगे 100 फीट, फिर गिरेंगे। पर उसी समय जो माधव की शरण में, प्रभु की शरण में रहेंगे उनका उद्धार होगा। तो इसलिए उद्धार का करो अपने आप को और माधव की शरण में जाओ, कोई नहीं रखा।